हेलो दोस्तों, सोचग्रहणी की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ किचन टिप्स जो आपके किचन के काम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और ये सारे टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हम कढ़ाई में तेल डालते हैं सब्जी बनाने के लिए, और इसके बाद जब हम सब्जियों को डायरेक्ट तेल में डालते हैं तो क्या होता है, हर तरफ छींटे पड़ जाते हैं, कढ़ाई में, दीवार पर, गैस पर। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है मैं बताती हूँ। इसका सबसे अच्छा उपाय है, अगर हम तेल में सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दें, अब इसमें सब्जियों को डालेंगे तो क्या होगा, आप खुद देखिए, इन्हें छींटे नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम किचन में खाना बनाने के शौकीन हैं तो हमें ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए, तेल के छींटे न कढ़ाई के ऊपर दिख रहे हैं, ना ही दीवार पर दिख रहे हैं और ना ही गैस पर दिख रहे हैं। खाना बनाते समय इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं और पर्याप्त मात्रा में रोटियां बन जाती है और गूंथा हुआ आटा बच जाता है। फिर हम सब सोचते हैं इस आटे को हम रात में यूज़ कर लेंगे। जब रात में यूज़ करते हैं तो ये आटा काला पड़ जाता है, फूल जाता है, और रोटियाँ जब हम बनाते हैं तो भी देखने में अच्छी नहीं लगती, ताज़ी नहीं लगती है। आज इसके लिए मैं सबसे अच्छा उपाय बताऊँगी, जिसे आटा गुथा हुआ भी आपका ताज़ा का ताज़ा दिखेगा, ना उसमें काला पड़ेगा ना ही वो फूलेगा। तो दोस्तों, क्या करें, जितना हमारे पास आटा है उसी आटा के अनुसार हम कोई दूसरे कटोरा ले लेंगे। इस साइज के कटोरे में हम इस आटे को रख देंगे। इस बचे हुए आटे पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेकर चिकना कर लेंगे। इसे हर तरफ से चिकना कर लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगा के इसको चिकना कर लेंगे और इसे किसी चीज़ से ढक कर रख दीजिए। अब कभी भी इसको निकाल कर देखिएगा, ये ताज़ा का ताज़ा ही दिखेगा, न इसमें डार्क ब्लैक आएगा और ना ही ये फूलेगा। अब इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए और जब भी बनाना है आप इसे निकालिए, रोटी आपकी ताज़ी की ताज़ी बनेगी, आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस आटे को देखिए, मैंने सुबह रखा था और मैं रात में से यूज करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल ताज़े के ताज़े ही आपको दिख रहे हैं, कहीं से कोई डार्क ब्लैक नहीं दिख रहा है और ना ही फूला हुआ है। तो दोस्तों, इस ट्रिक आप जरूर अपनाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हम किचन में खाना बनाते रहते हैं तो हम अपने मनोरंजन के लिए या फिर उस समय हमारे फेवरेट एपिसोड का टाइम हो जाता है और हम चाहते हैं कि मोबाइल पर इसे देख लें, लेकिन मोबाइल बार बार सरक कर नीचे आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आप इस जुगाड़ को अपना सकते हैं। हमें चाहिए बस एक रबड़, यह रबड़ हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह का रबड़ मिठाई के डब्बों में भी लगे हुए आते हैं। इस रबड़ को हम इस तरह रख कर इसके ऊपर मोबाइल को रख देंगे। देखिए कितने अच्छे से स्टैंड का काम कर रहा है, यह मोबाइल बिल्कुल नहीं सरकेगा, दबाने से भी नहीं सरक रहा है। इस तरह हम किचन में खाना बनाते बनाते दोनों काम कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं और साथ साथ अपना मनोरंजन के लिए जो भी हमें देखना है हम आसानी से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, ना ही हमारा काम डिस्टर्ब होगा और ना ही हमारा एपिसोड छूटेगा। तो दोस्तों, है ना ये बेस्ट आइडिया। नेक्स्ट है लौकी। मार्केट से हम जब लौकी खरीद कर लाते हैं तो वह ताज़ा होता है और कभी कभी हमें पूरी लौकी की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी हमें आधे लौकी की जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। तो आधे लौकी को जब हम रखते हैं तो वह सूख जाता है, मुरझा जाता है। लौकी में होता है पानी का मात्रा, जब हम कट करते हैं
तो उसका पानी का मात्रा ऊपर से थोड़ा सूख जाता है, जिसके कारण वह मुरझाना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। इस लौकी को हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें एक रस एक पानी से निकल रहा है। अगर हम लौकी को खुला छोड़ देंगे तो इसका पानी निकल जाएगा और ये सूखने लगेगा। जब हम लौकी को कट करेंगे और कट करने के बाद जितना ज़रूरत है उसे हम रख कर, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उस पर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम अलमुनियम पेपर शेप से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से उसको पैक कर कर उसे आप फ्रिज में या ऐसे भी कहीं बास्केट में आप रख सकते हैं। आपका लौकी ताजे का ताजे रहेगा या कभी नहीं मुरझाएगा, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइएगा। तो देखिए कितने अच्छे से कवर हो गया है, अब इसे हम कहीं भी रख सकते हैं और जब चाहे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दाल। दाल चाहे कोई भी हो उसमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं या इसमें पाउडर सा बनने लगता है कुछ दिन के बाद। इसे फ्रेश रखना है तो इसमें क्या करें, इसके लिए लेंगे हम लहसुन का डंठल, जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। इसे आप दाल के अंदर डाल दें, इसे स्मेल बिल्कुल ख़राब नहीं आएगा और दाल लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं। कभी कभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए तो ये अच्छे से सेट नहीं होता। यहाँ देखिए हद धर से गैस निकल रहा है तो इससे फिर प्रेशर नहीं बनता। तो इस समय क्या कीजिए, अगर आप ढक्कन को धोल कर दोबारा लगा सकती हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर हम सभी के घरों में गुथा हुआ आटा आसानी से मिल जाता है। आटे को इस तरह से पतला करके जहां से प्रेशर लीक कर रहा है वहां हम चिपका देंगे, इस तरह से चिपका दीजिए। इस तरह जहां जहां आपको लगे कि प्रेशर निकल रहा है वहां वहां आटा इस तरह से लगा लीजिए। अब गैस को ऑन करके चेक कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि प्रेशर लगने लगेगा, गैस को बाहर नहीं निकालेगा और आप दाल चावल जो भी पका रहे हैं वो अच्छे से पक जाएगा। जो पहले प्रेशर नहीं लग रहा था आप देखिए प्रेशर लगने लगा है। जो भी कुकिंग करता है उसके लिए टिप्स बहुत काम आने वाले हैं।